जैसे ही समुद्र के यहाँ पानिया छोड़ा जाता है और नमक जमता है तो इसको निकाल कर फैक्ट्री में लेके जाया जाता है और वहाँ पर इसको रिफाइनरी किया जाता है, तब मार्केट में पहुँचती है नमक। आप जो ये देख रहे हैं ये गांधीधाम रूप लाइन है और ये पूरी नमक की खेती आप देख रहे हैं, जैसे लंबे लंबे क्यारियाँ बनाया जाता है नमक की खेती करने के लिए। और इसके पीछे देख सकते हैं पूरे ये टावर है बिजली का और ये सारे देख सकते हैं अभी पानी भरा हुआ, कुछ जगह सूखा हुआ है, कुछ पानी भरा हुआ है, ऐसे नमक की फैक्ट्री। और ये देखिए मेन हाईवे है जो गांधीधाम जाता है, मोरबी से गांधीधाम, ये वो हाईवे है। और देखिए नमक का ढेर लगा देते हैं, कितने सारे नमक का ढेर लगा हुआ है, तो ऐसे से निकाल कर नमक रखा जाता है। और यही हाईवे है, ये बहुत बिजी लाइफ हाईवे है, तो आप इस पर जब भी चलें थोड़ा संभल कर चलें। और गाड़ियाँ तो एनी टाइम आती रहती है, 24 घंटा गाड़ियाँ चलती है। और देखिए पूरी ये चारों तरफ आपको ऐसे ही मिलेगा, पूरे रोड में से ही मिलेगा 100 किलोमीटर। दोस्तों हम इस समय जा रहे हैं गांधी धाम और आप देख सकते हैं पूरे नमक की खेती हुई है। ये देख लीजिए सामने क्यारी बनाया गया नमक खेती, पूरी नमक की जम चुकी है पानी इसमें। और इधर भी देख सकते हैं नमक की लाट लगी होगी पूरी। ऐसे ही समुद्र के यहाँ पानिया छोड़ा जाता है और नमक जमता है तो इसको निकाल कर फैक्ट्री में लेके जाया जाता है और वहाँ पर इसको रिफाइनरी किया जाता है, तब मार्केट में पहुँचती है नमक, तो ये खाने के लायक होता है। और आप देख पा रहे होंगे सारे क्यारियाँ जो बनाई गई है सब भरा हुआ है और ये लगभग सूखने में इसको लगता है 15 से 20 दिन लगता है ये। और ये देखिए पूरे समुद्र का है, उस पार देखिए पूरी लंबे लंबी क्यारियाँ बनाई गई है, तो इसको सूखने में लगभग 15 से 20 दिन लगता है। और यहाँ कई ठेकेदारों का टेंडर होता है और यही हाईवे है जो गांधीधाम चला जाएगा। और सारे देखिए नमक का लाट लगा हुआ है, हर कंपनी यहाँ कई कंपनियाँ होती है, यहाँ एक अनेकों कंपनियाँ हैं, सारे कंपनियाँ अलग अलग उसकी नमक लगी। देखिए भी ट्रक से नमक जा रहा है, तो ऐसे से देखिए अभी सामने देख पा रहे होंगे कि सारे नमक का लाट लगा हुआ है। और यहाँ हाई कम से कम हजारों कंपनियाँ हैं, अभी देखिए ट्रक जा रही है उधर से ट्रक आ रही है, तो कभी ट्रक इधर जाता है उधर से इधर आता है, सारे फैक्ट्री में माल पहुँचता रहती है जाता रहता है। पहले एक बार इधर रिफाइनरी होता है, फिर उस जगह कंपनी में रिफाइन करके पैकिंग करके फिर मार्केट में नमक आता है, तो भैया के नमक खाने के लायक होता है। और देखिए सामने एक नमक है, अभी सब जितनी गाड़ियाँ देखते हैं इसको छोड़ के ये भी देखिए नमक ही जा रहा है, तो जितनी डंपर देखेंगे सब डंपर नमक में ही जाता है लेकर। और ये रोड बहुत बिजी लाइफ है और ये देखिए सारा पानी ऐसे लगा हुआ है, उसके बगल भी देखिए एक ठेकेदार का घर है और इधर देखिए नमक का लाट लगा हुआ है, एक रिफाइनरी यहाँ हो रही है, फिर उसमें कंपनी में रिफाइनरी हो गई है। और ये मेन हाईवे है मोरबी से गांधी धाम जाने के लिए, तो और ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। रिटर्निंग में आएंगे तो आपको ये पड़ेगा बहुत अच्छा, ये एक घर है, होटल बनाया गया है, इसको बहुत खूबसूरत होटल बनाया गया है, पूरा किला जैसा इसको रूप दिया गया। और यही देखिए, और ये देखिए एक पूरे बांस, जो बांस बम्बू जानते हैं ना, इस बम्बू से पूरे इस रेस्टोरेंट को तैयार किया गया है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, अभी कुछ काम इसमें बाकी है, जब ये तैयार हो जाएगा, जब लाइटिंग व्यूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत खूबसूरत बहुत यूनिक ब्यूटीफुल प्लेस लगेगा। और आपको दिखा दे, फिर देखिए सर जितने जगह दूर दूर तक देखेंगे ना सब नमक ही नमक आपको मिलेगा। इस रोड पे भी चलेंगे आपने तो आपका शरीर पूरा नमक से ही भर जाएगा, जो भी ट्रक जाती है तो नमक उसमें से उड़ता है, सारे शरीर पर आता है, कपड़ा अभी धुलेंगे घंटे में पूरे आपको कपड़ा दहिया लग जाएगा नमक से, तो इस रोड पे कपड़ा एक घंटे में ही रद्द हो जाता है और आपका शरीर पूरी चिपचिपा होने लगती है इस नमक से, इस रोड की सावधानी कर। हेलो दोस्तों, ये देख पा रहे हैं आप श्री नमस्कार महातीर्थ, जो ये मंदिर है अपने आप में बहुत ही अद्भुत, एक महा अलंकार सहित इसको कला नृत्य करके बनाया जा रहा है, इसे एकदम इसको खूबसूरत कलाकृति इसको दिया जा रहा है रूप और बिल्कुल बेहतरीन हो रहा है। और ये मंदिर बिल्कुल समाख्याली से थोड़ा सा दूरी पर है और ये बिल्कुल ये ट्रस्टी मंदिर है, यहाँ आपको रुकने के लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है, बहुत खूबसूरत ये है, आपको दिखा दे देखिए मंदिर। किसी
के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।